पीएफबी बोला जाता है, फुल बॉडी हार्नेस, इसका इसका शॉर्ट फॉर्म फॉर्म होता है। इसको हम लोग एक बार में इसको खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक को हम पकड़ेंगे एक बार में, ये सीधा हो जाएगा आपको। डी ब्लॉक खोलेंगे तो एक बार में सीधा हो जाएगा। इसको पहनने का तरीका क्या है, एक आदमी कोई आएगा, आइए भाई, आप ही आइए, क्या दिक्कत, आइए जा रहा हूँ। ये डी ब्लॉक को हम पकड़ लिए तो पूरा बोल रहे थे कि ये लबड़ा हुआ था, क्योंकि अभी लबड़ा दिए हम पूरा इसको। अब इसको क्या करेंगे हम, बस इसका देखेंगे डी ब्लॉक किधर है। डी ब्लॉक मतलब कि ये डी ब्लॉक बोला जाता है इसको, इसको डी ब्लॉक बोला जाता है। इसको हम पकड़ लिए तो ये खुल गया पूरा। अब इसको पहनने का तरीका क्या है, जिस तरह हम लोग बैग पहनते हैं घर पे, उस तरह इसको हम लोग पहनते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहनिए, पहनते हैं ना, देखिए एक सेकंड में ये पहन लिया पूरा अपना। अच्छा थोड़ा सा और आगे आ जाइए, बराबर लाइन को कीजिए, देखिए इसको हम पहन लिए, ठीक है। क्या कहे दिलदार, दिलदार बड़ा खुल रह गया। ये हमें हाइट वर्क से काम करने से, हमें गिरने से हमें बचाता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। आपको बार बार बोला जाता है कि हाँ भाई हाइट वर्क से काम करे तो फुल बॉडी हार्नेस बोले। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हुक भी बोलते हैं, स्नेप हुक भी बोलते हैं। इसको रियल नाम है स्नेप हुक, बहुत सारे लोग इसको हुक भी बोलते हैं। देखिए ये अभी खुल रहा है, नहीं खुल रहा है मेरे दमने से। इसको खोलने का तरीका ये है कि पीछे वाला जो ये जो लॉक है इसको दाबेंगे और फिर इसको दाबेंगे तो ये खुल गया, खुल गया। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं तो एक ही में फंसा लेते हैं और कहीं एक को फंसा देते हैं, तो ये भी हमें गलती नहीं करना है, समझ गए, ये भी हमें गलती नहीं करना है। जब फंसाना है तो दोनों को फंसाना है, वो भी अलग अलग, एक को फंसाना है एक तरफ तो दूसरे को एक तरफ फंसा के हम लोग निकालेंगे, दूसरे को लगाएंगे एक साथ। एनी टाइम एक को फंसा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमें कहीं बाइक देवे हम लोग कहीं एक दोनों नहीं फंसा है, कहीं पैर फिसल गया तो सेफ्टी बेल्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें जब भी लगाना है तो दोनों को फंसा के रखना है, एक को निकालेंगे तो दूसरे को फंसाएंगे कहीं और फिर चढ़ेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, लेनियार्ड, लेनियार्ड। इसकी लंबाई कितनी होती है तो 1.8 मीटर होती है, इसीलिए इसको लाजिम कर दिया गया है कि हम लोग जब भी 1.8 मीटर के ऊपर जाएंगे तो इसको पहनेंगे। इसका लाजिम होना अनिवार्य हो गया कंस्ट्रक्शन साइट पे। अब पीछे घूमिए, इसको क्या बोलते हैं, इसी रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शॉक एब्जर्बर। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी रस्सी है, आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी रस्सी है, तो जब हम लोग हाइट से गिरते हैं तो एक बैग गिरेंगे तो हमारे बॉडी में थोड़ा खिंचावट होती है, इसीलिए इसका काम यह है कि हम जो लोग हाइट से गिरते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसमें से रस्सी खुल जाता है और खुल के आराम आराम से हमको गिराता है। इसको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक इसी को बोलते हैं। डी ब्लॉक पकड़ेंगे तो हम सीधा हमारे हाथों में वो चीज आ जाएगी, क्या हमारा सेफ्टी बेल्ट सीधा हो जाएगा। इसको हम लोग चेस्ट स्टिप बोलते हैं, चेस्ट पैड भी बोलते हैं, जो हमें इसको बढ़िया से पहनना है, एकदम टाइट करके रख भी नहीं रखना है, थोड़ा सा हौला भी रहे कि हमारे बॉडी को, ये भी देखिए ये भी सही पहने में एकदम बढ़िया पहना, एक इंच की जाना होना चाहिए। इसको थाई पैड बोलते हैं, इसको थाई पैड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको चेस्ट स्टिप भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा ये आज का टॉपिक था यही कि फुल बॉडी हार्नेस कैसे पहने। देख रहे हैं कि ये लड़का सही पहना हुआ है, आप सबको लग रहा है सही पहना हुआ है, इसी तरह हम लोग को पहनना है। थोड़ा सा इसको टाइट भी रखना है, चेस्ट को भी टाइट रखना है, सब कुछ, ये नहीं कि कैसे भी पहन लिए ढीला ढाला, ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि जब हम लोग गिरेंगे तो ये पैर कहीं निकल जाए, कहीं ये चीज़ निकल जाए तो फिर हमको पहनने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलिए आप लोग आज बढ़िया से दिल से काम कीजिए, आपका दिन शुभ हो, मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ आपका दिन शुभ हो, आप बढ़िया से काम करें, अपने घर वापस जाएं बढ़िया से।
ठीक है ठीक है।